हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अम्ब्रेला कट लहंगा, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। बट अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर उसे कर दीजिए। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, इसे बनाने के लिए आपको कम से कम 3 मीटर का फैब्रिक चाहिए होगा। उसे एक ही बारी में फोल्ड कर लीजिए, उसके बाद दोबारा से कोने से फोल्ड कर लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है ट्राइंगल शेप में। फिर ऊपर से जितनी भी आपकी कमर है उतना आप मेजरमेंट ले लीजिए। कमर का 1/4 भाग का आपको मेजरमेंट लेना है, यानी अगर 32 की आपकी कमर है तो आप 8 इंच ले लीजिए। उसके बाद वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। फिर वहाँ से नीचे की तरफ आपको जितना लंबा आपका लहंगा रखना है आप उतना लंबा रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 36 की लेंथ ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से लहंगे की लेंथ ले सकते हैं। आपको हर जगह से 36 इंच ले लेना होगा। मैं जो आपको वापस से ऊपर इसलिए रखेंगे ताकि नीचे की तरफ बराबर 36 आए और बराबर सा एक सर्कल फॉर्म हो जाए। इस तरीके से आपको मेजरमेंट लेना होगा और मेजरमेंट लेने के बाद आपको सारी एरियाज को कट कर देना होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ कट कर लिया है, ये ऑलमोस्ट मेरा लहंगा तैयार है। अब जब आप इसे ओपन करेंगे तो एक तरफ की साइड ओपन होगी और एक तरफ की क्लोज, तो जो ओपन साइड है उसे भी क्लोज कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरी ओपन साइड है मैंने उसे भी सिलाई मशीन के हेल्प से क्लोज कर लिया है। अब हम बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट लगाने के लिए जितनी भी आपकी कमर है उससे 1 से 2 इंच का ज़्यादा ले लीजिए, उसे फोल्ड करके सिलाई कर दीजिए और उसके बाद नीचे की तरफ बेल्ट को रखते हुए आप इसे स्टिचिंग दे दीजिए इस तरीके से। ये इस तरीके से आपका जो ये मैंने बेल्ट बनाया वो केसी के फॉर्म में बनाया है, तो आप उसके नीचे लेस या डोरी कुछ भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और ये आपका लहंगा जो है पहनने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। मैंने इसे सिंपल रखा है, आप चाहो तो इसे डेकोरेट करने के लिए पर्ल्स या बीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप सीक्वेंस ब्लाउज के साथ इसे प्लेन ही इसी तरीके से कैरी कर सकते हैं। तो ये लहंगा बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इस टाइप के बहुत सारे और भी लहंगे बनते हैं जो इसी के तरीके से आप उसे कट कर सकते हैं, जैसे कि कुछ फोटोज मैंने आपके साथ शेयर किया है। सो आई होप आपको मेरी आज की ये सिंपल सा DIY वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइए आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, टिल नेक्स्ट टाइम।